राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि बीते दिन आईईडी ब्लास्ट में एक महिला घायल हो गई थी, जिसका हालचाल जानने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आईईडी नहीं पहचानता सुरक्षा बल है कि नक्सली है या ग्रामीण है। बस्तर बारूद बिछा कर रखना बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म खत्म होने की बात होनी चाहिए। माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। और इसी क्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार है, सरल सीधी सरकार है, इसमें उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ आपको। 11 मई के गंगालूर बीजापुर में एक युवती आईडी के चपेट में, ब्लास्ट के चपेट में आई थी। ऐसे ये लेटेस्ट है मामले। तो भैया, आईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या जानवर हैं या फिर ये नक्सली हैं या फिर ये सिविलियंस हैं। इसलिए बस्तर भर में पूरा यहाँ से वहाँ तक बारूद बिछा कर रखना बिल्कुल अनुचित है। कहाँ है भाई ऐसे पूछने वाले, जो जब नक्सलिज्म पर बात होती है, प्रहार किया जाता है तो खड़े होकर के बातचीत करते हैं, वो कहाँ है? अब खोजना पड़ेगा ना उनको। अभी क्यों नहीं पूछा जा रहा है नक्सलियों से कि क्यों किया भैया ऐसा, क्यों नहीं कहा जा रहा है?